ऐसे करके आप एडजस्टेबल जो है निकाल सकते हो इसका एक्स्ट्रा वाला। क्या बढ़िया लुक देखने के लिए मिल जाती है भाई, बहुत ही सॉलिड हेलमेट है ये। पूरे एडजस्टेबल वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, विंड डिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, लॉक हो जाता है, इतने प्यार से सनशेड जो है खुल जाता है, पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है, एंटी फॉग शील्ड इसके साथ ही आती है, ISI DOT उसी के साथ साथ दोस्तों EC 22.6 लेटेस्ट सर्टिफिकेशन के साथ ये जो हेलमेट आपको देखने को मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट शेल देखने के लिए मिल जाता है, एंटी फॉग देखने के लिए मिल जाता है, पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है, उसी के साथ साथ सनशेड देखने के लिए मिल जाता है, सनशेड भी काफी बड़ा है, रिमूवेबल पैडिंग है, डिटैचेबल पैडिंग है, डबल डी रिंग देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी सेफ होता है। तो अंदर जो है इंटरकॉम के लिए पॉकेट दिख जाते हैं, और ये जो नया चीज है यहाँ पर जो है आपको बटन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसको बस आप जो है ऐसे लगा दो और मैग्नेटिक है ये, आराम से चिपक जाता है, मतलब कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। काफी सही हेलमेट आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई दोस्तों लेकर आ गए हैं एक और खुशियों की चाबी, ये है SMK का टाइफून। बहुत सारे भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई SMK का टाइफून दिखाओ, SMK का टाइफून दिखाओ, तो ये आ गया दोस्तों SMK का टाइफून जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 22.6 की सर्टिफिकेशन के साथ। पहले भी दोस्तों SMK टाइफून आता था, लेकिन कंपनी ने जो है कुछ चेंजेस करे हैं उसके अंदर, एंड उसके बाद जो है इसको लेटेस्ट सर्टिफिकेशन के साथ निकाला है, और दोस्तों उसी के साथ साथ कुछ जो है चेंजेस करे हैं कंपनी ने, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं ये हेलमेट, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, एंड बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ऐसा सा कुछ बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है आपको, SMK का बॉक्स जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में, ये जो है ऐसा सा कुछ दिख जाता है। अब मैं इसके अंदर से जो है दोस्तों आपको हेलमेट निकाल के दिखाता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या आपको चीजें देखने के लिए मिल जाती है। आप भी खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जो है आराम से खरीद सकते हैं। और ये हेलमेट है दोस्तों, हर चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो बकवास नहीं करते, पहले बात करते हैं। तो भाई इस डब्बे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये हेलमेट देखने के लिए मिलता है, और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। और इसका बैग भी जो है क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसको निकाल के दिखाऊं, ऐसा सा कुछ आपको बैग दिख जाता है, बैग की क्वालिटी काफ़ी सही है दोस्तों। ओके, तो भाई ऐसा सा कुछ बैग है, और ये आपको देखने के लिए मिल जाता है SMK टाइफून। और भाई साहब क्या बढ़िया लुक का आपको हेलमेट देखने के लिए मिल जाता है, ये जो है ब्लैक ग्रे में है, और क्वालिटी जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ जो है दोस्तों ये कुछ मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है, और ये कुछ की चेन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है SMK की। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, तो ये पिन लॉक के बारे में दे रखा है कि क्या क्या दिख जाता है, ठीक है। और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ये SMK की चेन है, ये SMK का स्टिकर है, ठीक है। और ये कुछ दोस्तों मैनुअल है, ये सब है, बस पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये ले आते हैं अपना हेलमेट। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके सारे फीचर लेना चाहते हो तो ये है आपके लिए हेलमेट भाई SMK टाइफून। मतलब इसके अंदर ना आपको सब कुछ ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सेफ्टी भी जो है आपको बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है, और जैसे कि मैंने बताया अब ये जो है 22.6 सर्टिफिकेशन के साथ आता है EC, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसका जो शेल देखने के लिए मिल जाता है ना आपको, ये मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट शेल का, ठीक है, तो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले लुक देख लो दोस्तों, कुछ ऐसी ऐसी लुक देखने के लिए मिल जाती है आपको SMK टाइफून की। ये जो है मेरे पास मैट कलर है, बहुत सारे कलर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे कलर वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और मेक श्योर करिए जब आप खरीद रहे हैं तो उसको 22.6 को खरीदें, लेटेस्ट वर्जन को, ठीक है। देखो अच्छी चीज़ ये है ना दोस्तों कि देखो पिन लॉक वगैरह ना सब कुछ साथ में आता है, एंटी फॉग की जो शील्ड होती है सब कुछ सेम आपको साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये देखो सनशेड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है, और काफ़ी जो है कम्फर्टेबल हेलमेट लग रहा है। इसको मैं इसके अंदर की फिल्म को भी जो है मैं निकाल देता हूँ, और ये जो है मेरा खुद का हेलमेट है भाई, आई हैव परचेज्ड इट एंड आई हैव बॉट इट, ठीक है, कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ नहीं है, खुद का खरीदा हुआ हेलमेट है भाई। अब देखो दोस्तों इसकी लुक, क्या बढ़िया लुक देखने के लिए मिल जाती है भाई, बहुत ही बढ़िया लुक है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट शेल देखने के लिए मिल जाता है, एंटी फॉग देखने के लिए मिल जाता है, पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है, उसी के साथ साथ सनशेड देखने के लिए मिल जाता है, सनशेड भी काफ़ी बड़ा है,
ठीक है, अब मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ एंड फिर बात करते हैं इसकी और चीजों के बारे में। तो भाई साइड से आ जाए तो कुछ ऐसी सी आपको लुक देखने के लिए मिल जाती है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसी सी कुछ आपको लुक देखने के लिए मिल जाती है, लुक जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉलिड हेलमेट है ये जो शेल है आपको दिख जाता है, वन शेल हेलमेट है और ये जो है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट शेल से बना हुआ हेलमेट है जो कि बहुत सेफ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रंट में आ जाए दोस्तों तो ऐसा सा कुछ दिख जाता है, इसके वेंट वगैरह की क्वालिटी जो है वो भी काफी बढ़िया दिख जाती है आपको। यहाँ पर जो है आपको पूरे एडजस्टेबल वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर से खोल लें तो यहाँ पर जो आपको विंड डिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, इसको यहाँ से बंद कर दे, यहाँ पर भी जो आपको जो है दोस्तों वेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर भी जो आपको वेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यार सफोकेशन वगैरह को ध्यान में देखकर पूरा वेंटिलेशन सिस्टम बहुत बढ़िया करके SMK वालों ने बनाया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये जो हेलमेट है यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक लॉक है वाइजर के लिए, तो जब आप इसको बंद कर देते हो ऐसे करके तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, तो हाई स्पीड पर ये जो है ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पर आ जाए दोस्तों तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो आपको सनशेड देखने के लिए मिल जाता है, ये देखो इतने प्यार से सनशेड जो है खुल जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ जो है मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। इसको मैं एग्जॉर के साथ भी कंपेयर करूंगा क्योंकि आई नो बहुत भाइयों के कमेंट आएंगे इसको एग्जॉर से कंपेयर करो, तो वो भी हम करेंगे दोस्तों, लेकिन क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया। ये देखो यार, मतलब यार हर चीज़ ना, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से जिन्होंने बनाई है, बहुत ही प्रीमियम जो है लग रही है। वाइजर लॉकिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो है आपको क्विक रिलीज मिल जाता है और बहुत ही इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, इसको बस ये जो है यहाँ से आपको दबाना, यहाँ से दबाना पड़ता है और ये जो है निकल जाता है और वापस लगा दो तो ये लग जाता है, तो काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर मैं बंद कर दूँ, पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है, एंटी फॉग शील्ड इसके साथ ही आती है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर आ जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है SMK की ब्रांडिंग। ठीक है, पीछे से कुछ ऐसा यहाँ पर आपको स्पॉइलर दिख जाता है, ये जो है 1675 ग्राम का जो है हेलमेट देखने के लिए मिल जाता है, ISI DOT एंड उसी के साथ साथ दोस्तों EC 22.6 लेटेस्ट सर्टिफिकेशन के साथ ये जो हेलमेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ग्राफिक्स वगैरह देखोगे तो काफ़ी बढ़िया आपको ग्राफिक जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हेलमेट आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाए तो सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है 22.6 में वो ये है कि भाई ये जो पैडिंग है इन्होंने बदल दी है। पहले जो है यहाँ पर डबल पैडिंग दिख जाती थी, तो एक ऊपर से निकलती थी, ठीक है, उसके बाद एक अंदर होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक सिंगल पैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये जो पैडिंग है दोस्तों रिमूवेबल पैडिंग है, डिटैचेबल पैडिंग है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर आ जाए तो ये जो है आपको डबल डी रिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी सेफ होता है। ठीक है, पैडिंग की क्वालिटी, कुशन वगैरह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जो है आपको दोस्तों चिन कर्टन देखने के लिए मिल जाता है और चिन कर्टन जो है यहाँ से ऐसे करके आप एडजस्टेबल जो है निकाल सकते हो इसका एक्स्ट्रा वाला, और वापस चाहो तो अपने हिसाब से लगा भी सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी सही दिख जाती है। तो दोस्तों ये तो रही इसके फीचर्स की बात, एंड हेलमेट जो है आपको काफ़ी जो है बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है और यार मुझे भी काफ़ी सही लग रहा है ये हेलमेट क्वालिटी वगैरह वाइज। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ लुक वाइज कम्फर्ट वाइज कैसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, इंटरकॉम के लिए पॉकेट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। ठीक है, तो इसको पहन लेते हैं और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया डबल डी रिंग भी दिख जाता है दोस्तों, मतलब यार व्हाट एल्स, एक हेलमेट में इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, सर्टिफिकेशन वगैरह सेफ्टी वगैरह सब बढ़िया है। ठीक है, तो पहन लेते हैं इसको। ओहो ओके, तो भाई बहुत ही स्मूथली जो है इस हेलमेट को मैंने पहन लिया है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इन्होंने मैग्नेटिक दे दिया है, पहले जो है बटन वाला आता था, यहाँ पर जो है अब बस मुझे ऐसे करके लगाना है और ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, पहले आपने देखा होगा टच बटन करके आता था, तो ऐसे करके जब डबल डी रिंग लॉक करते थे इसको ऐसे दबा के लगाना पड़ता था, लेकिन नहीं, इसको बस ऐसे आप करके यहाँ पे छोड़ दो और ये जो है लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉक कर लेता हूँ डबल डी रिंग को ऐसे करके, डन। ठीक है, बहुत स्मूथ, बहुत ही बढ़िया इसका फील हो रहा है। ठीक है, और विजन की बात करूँ तो आपको काफ़ी डिसेंट विजन देखने के लिए मिल जाता है, इसकी लुक काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो आपको विंड डिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है और भाई फील हो रहा है कि भाई एक सेफ हेलमेट जो है मैंने पहन लिया है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो सनशेड इतने प्यार से नीचे जाती है, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन दिख जाता है आपको इसका। ठीक है, इसको मैं यहाँ बंद कर लूँ तो भाई एंटी फॉग है और बाहर की नॉइस भाई बिल्कुल कट ऑफ हो गई है। ठीक है, अब लुक की बात करूँ तो लुक दिखाऊँ, लुक कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों, काफ़ी सही हेलमेट आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और इतना हैवी भी ये जो है फील नहीं हो रहा है आपको। उसी के साथ साथ दोस्तों अंदर जो है इंटरकॉम के लिए पॉकेट दिख जाते हैं और ये जो नया चीज़ है यहाँ पर जो है आपको बटन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसको बस आप जो है ऐसे लगा दो और मैग्नेटिक है ये, आराम से चिपक जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एंड ऑनेस्टली दोस्तों मैंने पहली बार SMK का टाइफून जो है खरीदा है और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको आप पकड़ोगे ना हाथ में, आप उसकी चीज़ें देखोगे एक एक,
आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऐसा क्यों आता है और कितना प्रीमियम हेलमेट आपको देखने के लिए मिल जाता है एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर। ठीक है, तो मुझे यार ये पर्सनली जो है अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लगा। रिव्यू मैं आपको बाद में बताऊँगा, राइड रिव्यू करके चलाकर दिखाकर उस चीज़ में बात करूँगा, लेकिन ऐसे ओवरऑल अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो भाई बहुत ही काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसा था दोस्तों कि कुछ हेलमेट एंड जेन्युइनली इसका जो नया वेरियंट आया है नई पैडिंग के साथ वो आपको और भी प्रीमियम दिखता है और बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, पुराने वाला भी मैंने देखा था जब मैं खरीदने गया था तो पुराने वाले की पैडिंग जो है बहुत ही थिन थी। ठीक है, तो इसकी पैडिंग जो है मुझे नई वाले की काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये हेलमेट। तो आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर करिए जब आप खरीद रहे हैं तो 22.6 वाला खरीदिए। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ हेलमेट देखने के लिए मिल जाता है। आई होप ये जो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।